कितना टाइम से लगा रहे हो आप यहाँ पर? डेढ़ साल हो गया सर मेरे को यहाँ पे। डेढ़ साल हो गया। ये तो कोविड-19 के वक्त बाद ही शुरू किया था। पहले मैं शेफ की नौकरी करता था। अच्छा, तो फिर मैंने अपना नौकरी छोड़ के अपना एक छोटा मोटा। तो आपने वैसे छोड़ी है नौकरी या मतलब? सर आपको पता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खत्म हो गई। काफ़ी सफ़र करा। सफ़र करा है और उन्होंने किया गया, अब उसे आकर अब दूसरों को जो काम करे उनको सफ़र करा रहे हैं। अच्छा, तो बंदा 10,000 ले रहा, उसे कहते हैं 5 में करना तो कर, नहीं करना तो निकल रहा है यहाँ से। अब किस तरीके से होने लग गया है, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो यही कर रहे हैं। 50,000 पाते थे, अब वो 10,000, 20,000, 25,000, मेरी दो गालियाँ भी सुनते हैं। तो फिर वो गाली थोड़ी सुनिए, हाथ में हुनर है, कहीं भी काम करके खा सकते हैं। मैंने अपना ही सोचा, मैंने कहा अपना ही करता हूँ। भैया टाइमिंग क्या होती है अपने यहाँ पर स्टॉल की? सर 3:30 बजे से लेके 4:30 और 10:30-11 कभी 11:30। आपका गुड नेम क्या होगा भैया? विक्रम, शेफ विक्रम। शेफ विक्रम। और ये स्टॉल किस नाम से होगा भैया? रैप हट। तो हमारा कोई ऑनलाइन वगैरह भी होता है या सिर्फ काउंटर पे? ओके ओके। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं मतलब ऑलिव ऑयल वगैरह और सारी फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए, इसकी एक्स्ट्रा वर्जिन की ड्रेसिंग बनती है, बाकी ऑलिव ऑयल से खाना बनता है। okay. जैसे सैलेड वगैरह है उसके लिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल, दिस इज मनीष एंड यू आर वॉचिंग शॉकिंग। सो गाइज, आज हम आए हैं तिलक नगर में सरदार जी का फहीता रोल खाने के लिए। तिलक नगर में 7 मंजिला मंदिर के ये आप देख सकते हो भैया का प्यारा सा सेटअप है पूरा। ये काफ़ी सारी आइटम्स हैं भैया के पास। वो हर वेजिटेबल को आप साथ साथ वॉश भी कर रहे हो, ऐसे नहीं कि मतलब चॉप कर दिया। कितनी मर्जी बसर हो जाए, टाइम इसीलिए लग जाता है। हाँ मतलब पूरा फ्रेश एकदम वो कर रहे हो। मेरे को पता ओपन रखी हुई है तो उसमें धूल मिट्टी होगी, तो इसीलिए एक तरीके से ये पूरा मतलब लाइव किचन का सेटअप है। पूरा लाइव किचन है सर, बहुत ये है। मैंने इसीलिए लाइव किचन रखी है, जितनी मर्जी भसड़ हो जाए कस्टमर को पता तो चले कि जब भसड़ होती है कि किचन के अंदर कैसा होता है, बाहर कैसा होता है। इसमें आप अंदर गलती करने के 100% चांसेस है, कर दो कोई देख नहीं रहा। यहाँ मतलब कि 1% भी चांस नहीं है। फास्ट कटिंग हो रही है बिल्कुल ना, मतलब ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर कि कहीं हल्का सा भी चूस ना हो जाए। नहीं नहीं होगा, नहीं कटेगा मेरी गलती की वजह से। अच्छा, जब मेरा ध्यान इधर उधर भटकेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा, चाहे इधर उधर भी देखूंगा, लय बिल्कुल सही होनी चाहिए। चाकू कभी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे पड़ना चाहिए, कभी हाथ नहीं कटेगा। हाथ तभी कटता है जब ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, बिल्कुल सीधा पड़ना चाहिए सीधा। और चाकू की ग्रिपिंग हमेशा टाइट रहनी चाहिए, कि मतलब कि फिसले नहीं। ये क्या आ गया भैया? ये सॉल्ट है। सॉल्ट आ गया। और ये मैक्सिकन स्पाइस है। ओके, ऑयल डलते हैं वो पानी छोड़ता है, उसी से सब्जियां टॉस करता हूँ ताकि ऑयल भी कम लगे और okay, उसका okay. जो जूस होता है उसी में और फ्लेवर भी आए, फ्लेवर भी आ जाएगा उसका। मोस्टली जगह पे आपने देखा होगा सौते वेजिटेबल ब्लांच करके सर्व करते हैं, ठीक है, तो वो सारा तो उसका स्टॉक चला ही गया, चला ही तो वो तो खाया नहीं खाया, ये बराबर है। वो ऐसा करते हैं कि वो, क्योंकि लोगों को बॉयल खाने की आदत है, जैसे बॉयल करके खिला दो तो खा लेंगे, तो ये नहीं सोचते वो खाए ना खाए तो ये बराबर ही है। इसमें पालक और घिया होता है, इसमें मैम घिया होगा, पालक होगी, पालक की क्वांटिटी कम होती है और घिया की ज़्यादा होगी, और बीट रूट की होती है, मतलब हल्दी की होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। अगर सैटरडे संडे होता है तो उसमें मतलब कि 2-3 वैरायटी होती है, तो आज 2-3 है। तो
ये पैरी पैरी है, अच्छा पैरी पैरी ये बढ़िया स्लाइस लगा दी भैया ने बड़ी सी एकदम। ये पेपर सॉस है, मस्टर्ड है, सिराचा सॉस है। ये इसलिए डालने पड़ते हैं कि कस्टमर ना ये वेजेस खाने का मतलब खा ले, क्योंकि किसी को बोलोगे एक तरीके से खाने से मतलब जैसे बच्चों को खिलाते हैं, बस खाने का तरीका है। आप ऐसे दे दोगे शायद वो मुंह चढ़ाए, मैं तो नहीं खा पाऊंगा भाई, नहीं खा पाऊंगी। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि आप हेल्दी खाने की तरफ वही है, मतलब कि अच्छा खाना हम सर ये अच्छा है ना, सेहत के लिए अच्छा है, और हम जानवरों को क्यों मारे। सही बात है, मतलब एक तरीके से पूरा वेज भी है। कॉन्सेप्ट यही है कि वेजिटेरियन का ही है। बहुत लोग कहते हैं भैया नॉन वेज का करो, मैंने कहा जब होगा तब करेंगे, अभी वेज है तो ये ऑप्शनल है। मेयोनीज किसी ने डलवानी है ठीक है, लेकिन कोई वो नहीं है। बीटरूट सर प्लेन है, सिर्फ तरीका लोग खाते नहीं है। तो मेरे एक्सपर्ट शेफ ने पूछा बेटा तूने पूरी जिंदगी में कितना बीटरूट खाया है, तो मैंने पूछा आधा किलो एक किलो ही खाया होगा पूरी जिंदगी में, और ये पैक्ड है। ये क्या आ गया सर? ये एलपिनोस, एलपिनोस का कंफर्म। तो गाइस ये है हमारा पपीता रोल, अभी ट्राई करते हैं इसको, बताते हैं कैसा है। इसे बहुत बड़ा है, इतना तो पता मेरा मूवी नहीं है यार, पता नहीं कैसे खाऊंगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ पता नहीं आ रहा। चलो आज करते हैं। सुनने में बहुत टेम्पटिंग है, बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है मतलब मेरी चॉइस है, क्योंकि मुझे इतनी सारी वेजिटेबल्स एक साथ मिल गई, ऐसा लग रहा है मतलब हेल्दी हो गया, मज़ा ही आ गया। मतलब यार सीरियसली में सब कुछ आ गया। आप सब्वे वगैरह पे जाता हूँ मैं, कभी भी सब्वे वगैरह ऑर्डर करते हैं हम, वहाँ पर इतनी वेजिटेबल्स नहीं डालते वो। उसके बाद आप देख रहे हो कितने सारा बीट रूट और इतनी सारी मतलब वेजिटेबल्स डाल रखे ना भैया ने, सब कुछ ही है, मतलब अनियन और कैप्सिकम सब कुछ पूरा प्योर वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर बना ये खाना। सो गाइस अगर आप भी ये इन्जॉय करना चाहते हो, शेफ स्पेशल जो कि किचन से निकलकर पाइप फिर होटल की और जो रोड साइड पर स्ट्रीट साइड पर आकर जो ये बना रहे हैं ना, इतना फैंसी मतलब इतना बढ़िया इतना टेम्पटिंग बना रहे हैं, सीरियस वे में अगर आप इसको इन्जॉय करना चाहते हो तो तिलक नगर में 7 मंजिला मंदिर के बिल्कुल नीचे लगाते हैं भैया, यहाँ पर आइए और इन्जॉय करिए। सरदार जी पपीता रोल वाले के नाम से बड़े फेमस हैं, और खाते हैं इसको और इन्जॉय करते हैं। हल्का से पैरी पैरी नहीं सर, ये कैसेडिया है, कैसेडिया मतलब कैसो मतलब चीज़ होता है, कैसेडिया है। ये स्मोकी पेपर सॉस है, थोड़ी सी चिली सॉस, मस्टर्ड, मेयोनीज, अगेन मस्टर्ड, थोड़ी बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू थोड़े पिकन।
शैलो फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा प्रेस करा जा रहा है इसको। हाँ जी, ताकि ना इक्वल क्रिस्प हो जाए। ओके, स्ट्रीट साइड पे मैंने कभी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कहीं देखी नहीं। मैंने कहीं होती भी होगी बट मैं अभी तक तो नहीं देखी थी। बढ़िया तरीके से मतलब आप उसकी ड्रेसिंग कर रहे हो। सर खाना हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते थे, राजा महाराजा कहते थे, खाना खाना है तो सजा हुआ और इत्मीनान से खाना है। ये क्या आ गया सर? ये बेजल ली। इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन करी है ना, पूरी मेहनत करी है इसने, इतना तसल्ली से मतलब किसी के साथ ही ऐसा मतलब कोई भी लेता ना। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तभी कस्टमर को कितने पेशेंस के साथ इसको बनाया है, देखो आप ध्यान से देखो कितने बढ़िया तरीके से ना। वाह, तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि ये सेम है क्योंकि इसकी जो मेकिंग है वो सेम है बट ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है उससे। ये वाला तो बहुत गजब है, मतलब सही तरह एक तरफ एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स भी यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल में बनाते हैं प्रॉपर। स्ट्रीट साइड पर ये वाली प्रेजेंटेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।